एक केबल लेना है जो कि उसे हम बोलेंगे वाई केबल। सेकेंड चैनल मतलब दो चैनल आपको यूज करना है, कोई भी चैनल आप यूज कर सकते हैं। तो पेन को हम लेफ्ट में रखेंगे, आउटपुट जो है लेंगे, पेन जो रहेगा आपका उसको हम राइट में रखेंगे पूरा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर पी सीरीज एम्पलीफायर के बारे में, जो कि है स्टूडियो मास्टर का PA 6.0। इस एम्पलीफायर के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर हम दो टॉप एक्शन में चलाते हैं और एक डुअल बेस या फिर हम दो सिंगल बेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक डुअल बेस फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर हम एक डुअल बेस चलाते हैं एक चैनल में और एक आपका जो रहेगा टॉप, दो टॉप रहेगा अगर हम उसे पर चैनल अगर चलाते हैं, एक चैनल में टॉप चलाते हैं और दूसरे चैनल में बेस चलाते हैं, तो हम इसका सेटिंग कैसे रखेंगे और बेस में बेस का फ्रीक्वेंसी हम कैसे दे पाएंगे और टॉप में टॉप का फ्रीक्वेंसी कैसे दे पाएंगे, तो इसके ऊपर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आप कमेंट देख सकते हैं यहाँ पर दिनेश सिंह के तरफ से कमेंट आया है, लेकिन यहाँ पर इनका कमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पर दो डुअल बेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये गलत है। आप दो डुअल बेस आप एक चैनल में नहीं चला सकते, आप दो डुअल टॉप चला सकते हैं और एक डुअल बेस चला सकते हैं 1000 वाट में। तो चलिए आज के वीडियो में बने रहेगा, सारा डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ कैसे हम इसको चला सकते हैं। तो जैसे कि सिंपली पहले हम कनेक्शन करेंगे, एम्पलीफायर के बैक पैनल में हम आ जाते हैं। एम्पलीफायर के बैक पैनल में आपको कुछ सेटिंग क्रॉसओवर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें इसे क्या करना है, स्टेरियो में रखना है, स्टेरियो मोड में रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाद बाकी आपको कोई भी सेटिंग को छेड़छाड़ नहीं करना है और मैं ज़्यादातर यहाँ पर और कुछ सेटिंग भी नहीं बताऊँगा, सिंपल सेटिंग बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको स्टेरियो में इसको रखना है और यहाँ पर आपका जो मोड है वो स्टेरियो में रहेगा जो कि आपका दोनों चैनल में इनपुट होगा। तो मिक्सर से हमें क्या करना है, मिक्सर से दोनों चैनल में हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। यहाँ पर बिना क्रॉसओवर के अगर हम चलाते हैं तो दोनों चैनल में पहले हम इनपुट करेंगे और दोनों चैनल से हम आउटपुट लेंगे। जैसे कि एक चैनल में हम यहाँ पर दो टॉप लगाएंगे और दूसरे चैनल में यहाँ पर हम एक डुअल बेस या फिर दो आपका सिंगल बेस, कुछ इस प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे इस पिकन के थ्रू। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर आपका मिक्सर में आपको सिंपली एक केबल लेना है जो कि उसे हम बोलेंगे वाई केबल, वाई केबल बोला जाता है, जो कि आपका दो जैक रहता है उसमें और एक आपका 3.5 mm का जैक होता है जो कि हम ऑक्स केबल जो बोलते हैं या फिर जो मोबाइल में लगता है वो रहता है, तो उसे वाई केबल बोला जाता है। तो वो केबल आपके पास होना चाहिए, तो वो केबल आप लेंगे और उसको यहाँ पर आपको मिक्सर में लगाना है जो कि चैनल वन चैनल टू मतलब कि फर्स्ट चैनल या फिर सेकेंड चैनल, मतलब दो चैनल आपको यूज़ करना है, कोई भी चैनल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बताने के लिए फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर हमें यूज़ करना है और देन यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक में टॉप का फ्रीक्वेंसी सेट करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी में जैसे कि लो मिड और बेस आपको सेट करना है। अगर आपके पास छोटा मिक्सर है तो उसमें भी कर सकते हैं, बड़ा मिक्सर है तो उसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पेन होता है, पेन आपको रखना है लेफ्ट, लेफ्ट में अगर आप रखेंगे तो जैसे कि चैनल वन में अगर आपने टॉप चलाया है तो लेफ्ट में आपको देना है टॉप में इनपुट। जब करेंगे जैसे चैनल वन में हमने इनपुट किया है तो लेफ्ट से हम यहाँ पर देंगे चैनल वन में इनपुट, तो कुछ इस प्रकार से आपका मिक्सर से रहेगा। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट जब करेंगे आप तो यहाँ पर आपका मिक्सर का जो बेस ट्रेबल मिड जो है वो आपको यहाँ पर बेस जो है वो लगभग 3 पॉइंट के आसपास रखना है और आपका ट्रेबल जो रहेगा वो यहाँ पर 6 के आसपास आप रख सकते हैं और मिड को आप हाफ रख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप जो है टॉप का सेटिंग कर सकते हैं और ये आपके स्पीकर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको साउंड कैसा चाहिए और सॉन्ग के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बेस कम ज़्यादा जो भी है, मिड और ट्रेबल अगर कम लगे तो उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से पहले हम यहाँ पर सेटिंग करेंगे और इसको हम पेन को जो है लेफ्ट में रखेंगे। पेन आपने देखा होगा मिक्सर में जो पेन लिखा होता है व्हाइट कलर में होता है या फिर दूसरे मिक्सर में अलग कलर में भी होता है, तो पेन को हम लेफ्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन होता है वो टॉप का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे बेस के लिए। तो बेस के लिए जैसे कि हम चैनल टू में जो है वाई केबल हमने लगाया है, दो चैनल हम यूज़ कर रहे हैं, तो दो चैनल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम राइट में रखेंगे। पेन जो रहेगा आपका उसको हम राइट में रखेंगे, पूरा घुमा देंगे राइट में रखेंगे और राइट का जो हमारा चैनल रहेगा मिक्सर का, तो राइट से हम आउटपुट जो है लेंगे और एम्पलीफायर में इनपुट करेंगे चैनल टू में, और चैनल टू में ही हम यहाँ पर बेस लगाएंगे।
जाएंगे स्पीकर, जो आपका बेस स्पीकर होगा उसको हम यहाँ पर चैनल टू में ही यूज़ करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका कनेक्शन करना है। और आपका जो बेस और मिड और ट्रेबल का जो सेटिंग रहेगा वो उसे हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो कनेक्शन रहेगा मतलब जो उसका सेटिंग होगा वो यहाँ पर बेस को आपको लगभग 7 से 8 पॉइंट के आसपास खोल लेना है, और यहाँ पर आपका जो मिड रहेगा उसको 0 में रखना है, और आपका जो ट्रेबल रहेगा उसको भी हम यहाँ पर 0 कर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो अगर आप 8 के आसपास अगर आप इसको रखते हैं तो लगभग आप मानिए कि 100 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी चला जाएगा कुछ इस प्रकार से। अगर आपको ज़्यादा बेस लग रहा है तो थोड़ा सा बेस आप कम कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रहा है, अगर आपको ज़्यादा वाइब्रेशन चाहिए तो बेस को आप फुल भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर आपका मिक्सर का सेटिंग रहेगा वो कुछ इस प्रकार से आपको रखना है। पेन को राइट में रखना है और बेस को कम से कम मतलब 6 पॉइंट से लेकर के 8 पॉइंट के आसपास आप कम ज़्यादा करके जैसा आपको साउंड चाहिए उस हिसाब से आप जो है साउंड मैच कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका मिक्सर का सेटिंग हो जाता है। और एम्पलीफायर का बैक पैनल में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली स्टेरियो में ही आपका कनेक्शन रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका बिना क्रॉसओवर के आप बेस में बेस का फ्रीक्वेंसी और टॉप में टॉप का फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। आपको जैसा साउंड चाहिए उस हिसाब से आप जो है सेट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।